खबर पिपलौदा से है, जहां जवारा तहसील के ग्राम पंचायत लालाखेड़ा में बांस पर लटकने करंट के तार बन सकते हैं किसी बड़े हादसे की वजह। जावरा तहसील के ग्राम पंचायत लालाखेड़ा गांव में पुरानी पंचायत के पास बांस की लकड़ी के थंबों पर लटकते करंट के तार हो सकते हैं किसी बड़े हादसे की वजह। लालाखेड़ा गांव के रहवासी द्वारा बताया गया कि लंबे समय से यह करंट के तार हवा में झूल रहे हैं, जो कि काफ़ी नीचे भी हैं। गाँव से काफ़ी संख्या में बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बस यहीं लटकते तारों से गुजरती है। ड्राइवर अपनी सूझबूझ से प्रतिदिन बस को इन झूलते तारों से बचाकर निकालते हैं। कई बार तो हवा के झोंकों से तार बस के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। कई बार गांव के लाइनमैन को इस लटकते तारों को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और अगर ऐसे ही यह तार हवा में लटकते रहे तो फिर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भगवतीलाल पाटीदार, क्या कुछ समस्या आपको यहाँ पे? मेरी समस्या ये है, मेरी क्या पूरे गाँव की समस्या है, यहाँ डेली लालाखेड़ा से करीब 100 से 200 बच्चे जावरा स्कूल बस के द्वारा जाते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेरी वायर है वो ऐसे रास्ते में लटक रहे हैं कि किसी भी समय जब भी बस निकलती है तब वो वायर टच होते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कल से कोई भी बड़ा हादसा होने का डर है। क्या कोई इसकी आपने कोई शिकायत करी? मैंने गाँव के लाइनमैन को बताया था इसके बारे में कि ये जिसी के भी वायर है टेम्परेरी कनेक्शन, जिन्होंने डायरेक्ट AKD डाल रखे डिप्पी से डायरेक्ट, इनको या तो व्यवस्थित किया जाए या इनको हटाया जाए। फिर क्या कुछ किया गया उनके द्वारा? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है ये? मेरा नाम देवीलाल पाटीदार, गांव लालाखेड़ा से। क्या कुछ समस्या है आपको? यहाँ की समस्या सर, यहाँ से कम से कम 50 से 100 बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, बस जो आती है उसमें ये विद्युत मंडल के जो तार हैं ये देखो कि स्थिति में लगे हुए हैं। शिकायत भी करी है विद्युत मंडल में, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी है। हो सकता है कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है हमारे गांव में। 100 से 200 बच्चे रोज जाते हैं स्कूल बस से। क्या कुछ चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? प्रशासन से है कि व्यवस्था कुशल की जाए, तार वार सब व्यवस्थित किया जाए ऊँचे। पिपलौदा से JP मलानी की रिपोर्ट।